तो दोस्तों आप सभी जानते हो कि भारत के वैज्ञानिक दिन रात मेहनत करके इसी काम में लगे हुए हैं कि भारत की तीनों ही सेनाओं को स्पेशली तौर पर डिफेंस के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाया जा सके और भारत जितने ज्यादा हो सके उतने ज्यादा स्वदेशी हथियारों को ऑपरेट करे। और इस क्षेत्र में भारत को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है और वो कामयाबी यह है कि इंडियन एयरफोर्स की जो सबसे बड़ी मांग थी फाइटर जेटों की वो पूरी होने जा रही है, वो भी स्वदेशी तौर पर, क्योंकि भारत का जो असली मायने में असली ताकतवर फाइटर जेट है जो कि रफाल को भी टक्कर दे सकता है यानी तेजस MK2, उसके आने में अब ज्यादा समय नहीं बचा है। दरअसल एडीए के जो डायरेक्टर हैं डॉक्टर जितेंद्र जाधव सर जी, उन्होंने अभी मीडिया को इंटरव्यू दिया और उन्होंने बताया है कि तेजस MK2 के रोल आउट में ज्यादा समय नहीं बचा है और खबरों के मुताबिक माने तो उन्होंने खुद यह क्लियर किया है, जिसका आर्टिकल आप सभी स्क्रीन पर देख सकते हो, कि तेजस MK2 सितंबर और अक्टूबर 2025 के अंदर अपनी पहली उड़ान भर लेगा, यानी इसका जो रोल आउट है वो इसी साल के अंत तक या फिर अगले साल की शुरुआत में हो सकता है। और यह भारत के डिफेंस सेक्टर के लिए बहुत ही बड़ी और अच्छी खबर है, क्योंकि तेजस MK1 के बाद MK2 भारतीय वायुसेना के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि भारत का यह स्वदेशी मेड 4.5 जनरेशन श्रेणी वाला फाइटर जेट होगा और इसको आने वाले समय में भारतीय वायुसेना बहुत बड़े नंबर में इस्तेमाल भी करने वाली है। साथ में पैसों की बात करें तो यहां पर विदेशी फाइटर जेट जैसे कि रफाल ही भारत को 1600 करोड़ के अंदर पड़ते हैं, वहीं पर तेजस MK2 1600 करोड़ में लगभग 2 आ जाएंगे, यानी भारत को यह फाइटर जेट काफी ज्यादा किफायती भी पड़ेगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।